नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूप मार्गरी। तो देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कैंडिडेट्स हैं, जो लोग यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी लंबे वक्त से, आप लोगों को पता है कि रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सारे डिटेल वाइज वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिए गए थे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या अन्य भर्ती परीक्षा जितने भी रेलवे के द्वारा निर्धारित की जाती है, उन सभी की रिगार्डिंग जानकारी दी गई थी। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स का ये डाउट हो रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी कब तक आ सकती है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और एक अच्छी अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तो देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी गाइड जारी कर दी गई है, जिसमें बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे डिटेल वाइज नोट्स मौजूद रहेंगे, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करके, जिसको आप लोग स्टडी करके अपने एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेगा। सबसे पहले आप लोग देखोगे इस बुक में आप लोग के लिए, बिल्कुल सबसे पहले आप लोग के लिए 3-4 प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे, जिनको आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आपके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, नीचे स्क्रॉल करोगे आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को पता है रेलवे के लिए जनरल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का अलग से सेक्शन है, एलिमेंट्री अरिथमेटिक का भी अलग से सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और आपके आने वाले आरपीएफ की भर्ती परीक्षा के लिए आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करने वाला है। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट भी यहां पर जारी की गई है। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज यहां पर 6000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, उनका एक कॉम्बाइंड मटेरियल्स आप लोग के लिए भी यहां पर बुक के रूप में जारी किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स, अगर आप लोग इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट से। साथ ही साथ आप लोग ऑफलाइन स्टोर से भी इन बुक्स को परचेस कर सकते हो। तो बिना समय गवाए फटाफट से जाइए और इस बुक को परचेस कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर रखा है, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स के लिए जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ जुलाई से सेप्टेम्बर का जो शेड्यूल है, उसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 के लिए और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 के लिए जो नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर डेट इन्होंने देकर रखा है कि इस दौरान ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप लोग मानकर चलो कि दोस्तों, अगर जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग का नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो फॉर्म फिलअप कंप्लीट होते दोस्तों ऑलमोस्ट अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। अब अक्टूबर के बाद दोस्तों ये लोग यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को रिक्रूट करेंगे। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को रिक्रूट करने के बाद, भले वो टीसीएस हो या जो भी हो, ठीक है, जिसको भी ये लोग रिक्रूट करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 से 3 महीने का समय यहाँ पर मिनिमम लगेगा, अगर प्रोसेस को ये लोग जितना भी फास्ट रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करते करते जनवरी से फरवरी आप लोग मानकर चलो, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्च 2025 से आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। मार्च 2025 से एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट होगा। और ऑफिशियल कितनी वैकेंसीज आ सकती है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो ऑलमोस्ट मानकर चलो कि पिछले बार 35,000 वैकेंसीज आई थी, लेकिन अब इन्होंने जो है ईयरली रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें डिवाइड कर दिया इनको, तो ऑलमोस्ट आप लोग मानकर चलो कि 7,000 से 8,000 ही वैकेंसीज जो है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 2024 में निकल सकती है सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वैकेंसीज की आप लोग उम्मीद मत करना कि 7,000-8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आएगी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 7,000 से 8,000 वैकेंसीज आएगी और आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट होते होते आप लोग मानकर चलो कि 2025 कंप्लीट हो जाए, 2026 तक रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पर प्रोसेस हो सकती है अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एनटीपीसी के बारे में यही सारे कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर कब तक हो सकता है, ठीक है, अभी तक वैकेंसीज की कोई अपडेट नहीं है, वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्ट की जा सकती है, कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जनवरी फरवरी 2025 तक उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहेगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।